Talk about this kind of guys, not dogs, not... Let me decide what I'm going to speak on. Please, so, explain to them when they leave home. Let me tell them, I understand that. Hey, that's the area. I provide shelter here. I provide food for these guys. भास्कर की एक वेबसाइट है, उस पर एक कार्टून छपा, कल ये कार्टून छपा था यूक्रेन की किसी खबर पर, और वो आज मेरी नज़र में आया वो कार्टून, और वो कार्टून है भारतीयों को जो निकालने की कोशिश है सरकार कर रही है, उस ड्रामे का पर्दाफाश करता हुआ ये कार्टून है, और ये कार्टून अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ समेटे हुए है। पिछले 10 दिन से जो सरकार, जो मोदी सरकार जिस तरह के ड्रामेबाजी कर रही है भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी को लेकर ऑपरेशन गंगा के नाम पर, या विदेश मंत्रालय जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता रहा है, देशवासियों को बता रहा है कि वो कितना कोशिशें कर रहे हैं, उन तमाम कोशिशों की कहानियां उस ड्रामे को पर्दाफाश करता हुआ ये कार्टून है। पहले आप ये कार्टून देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे कितनी कहानियां छिपी हुई हैं, और एक एक करके मैं आपको वो कहानियां बताऊंगा। ये कार्टून देखिए आप, ये कार्टून, इस कार्टून में बहुत सारे भारतीय छात्र जो एक प्लेन में बैठे हुए दिखाए गए हैं, और इन्हीं में से एक छात्र, जो छात्र या छात्रा जो अपने परिवार को फोन कर बता रही है कि वो यूक्रेन में फंसे हुए नहीं है बल्कि प्लेन में फंसे हुए हैं, और जब तक मंत्री जी नहीं आते हैं, उनका स्वागत नहीं करते हैं, तब तक वो बाहर नहीं आ सकते हैं, उनको बाहर जाने की इजाजत तब तक नहीं है। तो जिन कहानियों की मैं बात कर रहा था, जिन कहानियों का जिक्र कर रहा था कि इस कार्टून में बहुत सारी कहानियां छिपी हुई हैं, पहली कहानी जो है वो ये है कि आपको याद होगा एक हफ्ता पहले, 10 दिन हो गए, 10वां दिन है आज इस युद्ध को, और उसके बाद जिस तरह से भारतीय छात्रों के वहाँ से वीडियो आना शुरू हुए, जिस तरह से जो कंडीशंस भारतीय छात्रों की थी, बदहवास से छात्र थे, दुबके हुए थे, बैठे हुए थे, खाने पानी की दिक्कत थी, टॉयलेट्स की दिक्कत हो रही थी, तो ऐसे में बहुत सारी तस्वीरें आईं, बहुत सारे वीडियो आए, और सरकार जुट गई इस बात को लेकर कि कैसे वहाँ से भारतीय छात्रों के जो वीडियो आ रहे हैं उससे जो सरकार की छवि धूमिल हो रही है, उस छवि को साफ कैसे किया जाए। सरकार की सारा ध्यान, सरकार की सारी कोशिशें जो थी वो अपनी छवि को साफ सुथरा बनाने की थी मीडिया के जरिए, जो गुलाम मीडिया है, जो सरकारी भोंपू बना हुआ है, खासतौर से टेलीविजन मीडिया, उसके जरिए, और सरकार ने वो शुरू कर दिया। आपको याद होगा किस तरह से प्लेन के अंदर मंत्री जी जाते हैं, पीयूष गोयल को भी हमने देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हमने देखा कि प्लेन के अंदर वो जाते हैं, एक वीडियोग्राफर साथ में होता है, वो वीडियो बनाता है, और वो सरकार की का गुणगान करते हैं अंदर जाके, बताते हैं कि सरकार कितना कितना इस वक्त संवेदना प्रकट की उन्होंने सरकार की, सरकारी मंत्री के तौर पर, और प्रधानमंत्री का गुणगान करते हैं। तो उसके बाद फिर वो छात्र प्लेन से बाहर आ पाते हैं, यानी तब तक वो छात्र यूक्रेन से तो वापस आ गए हैं अपने देश में, लेकिन उनको इंतज़ार कराया गया जब तक मंत्री जी नहीं आ जाते, जब तक वो वीडियोग्राफर जो मंत्री जी के भाषण का वीडियो बनाएगा, और उसके बाद वो वीडियो सर्कुलेट होगा तमाम मीडिया चैनल्स को, और सरकार अपनी छवि बताने की और बनाने की कोशिश करेगी कि हम भारतीयों को सकुशल वापस ला रहे हैं युद्ध क्षेत्र से, यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है। तो वो आपने देखा, वो आपके सामने है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, ये एक सीधा सा सवाल है कि इतना एक फूहड़ दिखावा हो रहा है सरकार की तरफ से, उसकी जरूरत क्या थी? क्या सरकार ये एहसान रखना चाहती थी उन छात्रों पर, उन परिवार के लोगों पर, कि देखो हमारा ये बहुत बड़ा एहसान है कि हम आपको ले आए? ये तो सरकार का फर्ज है कि सरकार अपने देशवासियों की सकुशल वापसी युद्ध क्षेत्र से कराए, इसमें कोई एहसान तो किया नहीं है मोदी सरकार ने उन छात्रों पर। दूसरी चीज, जिस तरह से वीडियोग्राफी हुई, और तो और वीडियोग्राफी भी छोड़िए, चलिए ठीक है सरकार वीडियोग्राफी करा रही है और सरकार ये बता रही है, अपना महिमा मंडन कर रही है, लेकिन इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए और उन्होंने ऑपरेशन गंगा के नाम पर वोट मांगा लोगों से, ये निहायत शर्म की बात है। अपने देशवासियों को बचाने के लिए, जो कि
हर सरकार का फर्ज होता है आप उस नाम पर वोट मांगे, इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। तो एक कहानी तो ये हो। अब मैं दूसरी कहानी पर आता हूं। दूसरी कहानी ये है कि सरकार लगातार ये बता रही है कि हम हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं, रोजाना प्रधानमंत्री कई मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग्स हो रही हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से, और प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया जाता है कि किस तरीके से छात्र जो खार्किव में हैं या कीव में हैं वो पश्चिमी सीमा तक पहुंचें, यूक्रेन की पश्चिमी सीमा तक पहुंचने की कोशिश करें, यह बताया जाता है। अब उसमें यह नहीं बताया जाता कि पश्चिमी सीमा तक कैसे पहुंचे, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर खार्किव से पश्चिमी सीमा है या कीव से पश्चिमी सीमा है। ये तो कह दिया गया कि हमारे जो मंत्री हैं वो हमने भेज दिए हैं अलग अलग बॉर्डर्स पर, पोलैंड पर, रोमानिया पर, और अलग बॉर्डर्स पर भेजे हैं हमने, और वहां पर छात्र जमा हो जाएं। आखिर युद्ध क्षेत्र से लगभग सैकड़ों किलोमीटर दूर ये छात्र जो फंसे हुए हैं वो रोमानिया की या पोलैंड की सीमा तक कैसे पहुंचे, ये शायद बताना भूल गए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। उन्होंने ये तो कह दिया कि पश्चिमी सीमा तक जाने की कोशिश करें और हमारी एम्बेसी से संपर्क करने की कोशिश करें, हम लगातार संपर्क में हैं भारतीय छात्रों के, ये भी वो बता रहे हैं। लेकिन भारतीय छात्र जो वहां पर मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। वो कह रहे हैं कि हमारा फोन पिक नहीं कर रहे हैं, जो भारतीय अधिकारी हैं, जो एम्बेसी के अधिकारी हैं, वो फोन पिक नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तमाम छात्र ये बताने के लिए आतुर हैं कि वो किन हालात में जी रहे हैं, उनको सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है, वो अपनी कोशिशें करके वहां तक पहुंच रहे हैं। हालांकि जो भोंपू मीडिया है, जो गुलाम मीडिया है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। अभी दो तीन दिन पहले मैं एक क्लिप देख रहा था जिसमें एक रिपोर्टर है एक चैनल का, जो बता रहा है कि किस तरह से सरकार कोशिश कर रही है छात्रों को निकालने के लिए। वहीं पर कुछ भारतीय छात्र आसपास जमा हो जाते हैं और उस रिपोर्टर के माइक में घुसकर कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, हम अपनी कोशिशों की वजह से यहां तक रेलवे स्टेशन तक पहुंच पाए हैं या उन जगहों तक पहुंच पाए हैं जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और मंत्री जी वहां पर जाकर गुणगान अपनी सरकार का कर रहे हैं और वहां के अधिकारी जिस तरह से उनको लताड़ रहे हैं ये भी सबने देखा, किस तरह से उन्होंने अपनी भी भत पिटवाई। एक सरकारी मंत्री होने के नाते, भारत के केंद्रीय मंत्री होने के नाते उन्होंने अपनी भी भत पिटवाई, सरकार की भी भत पिटवाई, और चलिए सरकार की भत पिटवाई तो पिटवाई, अपने देश की भत पिटवा रहे हैं, अपने देश को नीचा दिखवा रहे हैं। किस तरह से एक अधिकारी, शायद वो रोमानिया के अधिकारी हैं, जो लता रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उन्होंने बीच भाषण में उनको टोक दिया, रोक दिया कि आप इस तरीके की भाषणबाजी यहां पर मत कीजिए, अपने देश में जाकर कीजिएगा, हमने इनको शेल्टर दिया है, हमने इनको यहां पर खाना दिया है, आप अपनी सरकार की जो गुणगान कर रहे हैं वो आप अपने देश में जाकर कीजिएगा, यहां पर मीडिया में जरूरत नहीं है ये सब बताने की। और बाकायदा वो वीडियो भी वायरल हुआ, काफी वायरल हुआ, आपने देखा होगा। तो दूसरी कहानी ये थी। एक कहानी जो खुद छात्र बयान कर रहे हैं, हमने कल भी आपको एक वीडियो शेयर किया था, सैकड़ों की तादाद में छात्र हैं जो अपने हालात बयान कर रहे हैं और उन सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाते हैं वो छात्र, जो सरकारी दावे मीडिया में चल रहे हैं कि सरकार बहुत कंसर्न है भारतीय छात्रों को लेकर, उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर। लेकिन असल बात यह है कि सरकार और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चुनाव में बिजी है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिजी है। उसको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में उनका जो जनाधार है वो पूरी तरह से खिसक चुका है, जीत वो नहीं रहे हैं, सरकार उनकी नहीं बन रही है, लिहाजा उनका सारा जो ध्यान है, जो जोर है, प्रधानमंत्री भी इसमें इन्वॉल्व है कि उनका सारा जोर है कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव में हर मुद्दे को भुना ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर पाएं। तो हमारा जो आकलन है वो यही है कि सरकार मस्त है चुनाव में और उधर जो भारतीय छात्र हैं वो बेचारे पस्त हैं अपने हालात की वजह से।